بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین الكرام أحكام الدين کا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کے سوالوں کی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جا رہے ہیں آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف دارت آتے ہیں. आज का पहला सवाल हमारे भाई पूछ रहे हैं कि अगर किसी मुक्तदी ने इमाम साहब के साथ नमाज़ में शिरकत की एहराम उनके तकबीर तहरीमा के साथ ये भी शरीक हुआ फिर उसके बाद उसे महसूस हुआ कि मुझे इनसे अलग हो जाना चाहिए यानी जमात छोड़ देना चाहिए तो क्या उसके लिए मुनासिब है कि उनसे अलग इमाम के साथ नियत बांधा है तो क्या उसके लिए मुमकिन है कि वो उनसे अलग हो करके अपनी दूसरी नमाज साथ में पढ़ ले तो जवाबन ये अर्थ है कि अगर ये किसी उद्र की बुनियाद पर हो तो ये दुरुस्त हो सकता है इसलिए कि इमाम बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए जैसा कि हदीस शरीफ़ में आया है इन नमाज़ जो इमाम बिही इमाम बनाया गया ताकि उसकी इब्त की जाए तो जब वो नमाज़ नहीं ख़त्म करता तो आप भी ख़त्म नहीं कर सकते जिस तरह से वो करता है उस तरह से आपको भी करना ज़रूरी है लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आ जाए मैं जवाब में बता रहा हूँ तो किसी यानी किसी उद्र की बुनियाद पर हो तो उसके लिए जायज़ हो सकता है कि जमात से अलग हो जाए लेकिन ये उद्र शरीयत में मकबूल होना चाहिए आदमी का अपना बनाया होद्र जो शरीयत की निगाह में मकबूल ना हो उसकी बुनियाद पर अलग नहीं हो सकता है उसमें से एक उदर ये हो सकता है कि इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं और ये उसका मुतहमिल नहीं है तो ये उनसे अलग होकर के अपनी नमाज पूरी कर सकता है यह है कि अचानक उसको कोई बीमारी लग गई जिसके उन बुनियाद पर उनका साथ नहीं दे सकता पूरी तरह से तो अलग होकर के वो नमाज़ पढ़ करके जा सकता है अलग हो सकता उनसे या इसी तरह से अगर उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है जिसमें उसे नमाज के के में जो खुशू चाहिए जो सुकून चाहिए जो फहमो बसीरत चाहिए वो हासिल नहीं हो पाती है और खैराज़ सुनने में इस तरह से तस्वीर तहलील करने में रुकू सजदा जाने में उस पर नींद का ही गलबा रहता है तो इस शक्ल में भी वो अलग इसरे की नींद के साथ तो नमाज हो नहीं सकते अलग और के नमाज़ पढ़ के जा सकता है या ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसकी बुनियाद पर उसकी नमाज खराब हो सकती है उद्र जिसकी बुनियाद पर नमाज खराब हो सकती हो या इसको कोई बड़ा नुकसान हो सकता हो या किसी दूसरे को बड़ा नुकसान इसके सामने नज़र आता हो ये तीन शक्लें हुई जाती तौर पर इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है या कि ऐसी कोई ऐसा कोई उधर है जिसकी बुनियाद पर नमाज ही खराब हो सकती है या ऐसा कोई उधर है जिसमें देखता है कि अगर हमने नहीं छोड़ा तो दूसरे को बड़ा नुकसान हो सकता है ज़ाती नुकसान के केती परेशानी की बुनियाद पर जैसे नमाज ख़राब हो जाएगी उससे पैखाना लगा हो या पेशाब लगी हो और ज़ोर से लगी हो जिसमें वज़ू टूटने का इस से और सब खराब होने का ख़तरा है तो वो छोड़ कर के जाता है और ये मसला आप लोगों को मालूम ही है कि जा करके वजू करके आएगा फिर नमाज़ भी मिल सकता है तो मिले और न बक्या पूरी करेगा अपना जतीी नुकसान हो उसके माल और जायदाद के बड़े नुकसान का या अपने अहल आयाल में बड़े नुकसान का उस बुनियाद पर भी जहाँ पर नमाज के अंदर सुकून नहीं हो सकता तो ऐसा कर सकता है एक मसला उसमें से ये भी है ज़ाती नुकसान का कि आदमी नमाज शुरू किया है अमामत हो रही जैसे कहीं मिसाल के तौर बताना चाहता हूँ कि इस्टेसन पर है रेलवे स्टेशन पर है और जहाज़ का ट्रेन का वक्त हो चुका है यार, या एयरपोर्ट पे है और जहाज़ में जाने का वक्त हो चुका है और लोग जा चुके हैं इंतज़ार में आवाज़ दी जा रही है और ये जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहा है और इमाम साहब लंबी नमाज पढ़ा रहे हैं ऐसी सूरत में जहाँ पर साथियों के छूट जाने का खतरा हो या जिस वसायल सफ़र में ये सफ़र करना चाहता है उसके छूट जाने का खतरा हो जहाज़ है ट्रेन है बस है इस तरह की और कोई चीज़ है तो उस वक्त भी ये अपनी नमाज उनसे अलग होकर के मुख्तर पढ़ के निकल सकता है या इसी तरह से एक मुश्किल और भी पेश आती जिसका अंदाज़ा यहाँ तो शायद ना हो लेकिन हरम शरीफ में मिसाल के तौर पर अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है कि आदमी उस भीड़ में जमात शुरू हो गई और ये शुरू किया था लेकिन पीछे से भीड़ ने इतना धक्का मारा या आने वालों ने इतना धक्का मारा कि वहाँ कायम नहीं रह सकता वो तो वहाँ भी वो नमाज़ ऐसे अलग हो सकता है यानी जिस पर वो मगलूब हो जाए गालिब ना हो सके तो वहाँ भी अलग हो सकता है और इसके बाद फिर वो अपनी नमाज पढ़ने की कई शक्लें होती हैं अगर अलग हो गया और कोई दूसरे को नहीं पाया तो अकेले पढ़ेगा और अगर पढ़ने की फुर्सत या उस, उस, उस सलाहियत में नहीं रहा तो नमाज छोड़ के बाद में उसकी कदा करेगा तो उन सब के लिए एक दरीर जिसको हम हदीस शरीफ से देना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है और होता है और नमाज सही हो जाती है वो हजरत जाविर की एक हदीस है जिसमें उन्होंने बयान किया है कि मदबिन जबल ये अपनी कौम को नमाज़ पढ़ाया करते थे उनकी शक्ल ये थी कि मस्जिद नबी में नमाज़ रसूल सल वसम के पीछे पढ़ते और उसके बाद अपनी कौम में जाते जहाँ उनका कबीला उनके घर वाले उनके गाँव वाले आबाद थे मदीना के हवाले के आस पास में फिर वहाँ जा कर के ये नमाज़ पढ़ाते लोगों को ख़ास तौर से ऐशा की नमाज़ का तस्करा है वो तो वहाँ नमाज पढ़ाते तो नमाज़ पढ़ाने में ये अच्छी क़रात करते लंबी क़रात करते कभी इन्होंने सूर्य बकरा शुरू कर दिया अब सूर्य बकरा आप जानते हैं एक लंबी सूरत है जिसके पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगता है एक रकात में अगर सूर्य बकरा पढ़े दूसरे में आले इमरान पढ़ना शुरू कर दें तो पीछे मुख्तियों की हालत तो दिगर हो ही सकती है तो इन्हों के इनका बयान है कि वो अपने आज ने अपनी कौम को नमाज़ पढ़ाया ने इमामत की तो उसमें शोर बकरा पढ़ा फ़त अखर रजरफल वाहद हो उस हदीस के अल्फाज में से यह है कि एक आदमी उनसे निकल के जमात से निकल के पीछे गया और अकेले उसने नमाज पढ़ी तो उसने जब यह काम किया तो उससे कहा गया कि तुम नाफ़ था तुमने तो नफाक का काम कर दिया यानी जमात से अलग हो गए और वहाँ जा के तन्हा तुमने नमाज़ पढ़ी इमाम के पीछे शुरू थे फिर अलग हो गए तो उसने कहा माँ नफा तो मैंने कोई निफाक का काम नहीं किया है अब ये बात हुई तो उसने खुद कहा कि मैं रसूल सल्ला वसल्लम के पास जाऊँगा उन्हें बताऊँगा कि क्या सूरत हाल हुई जिसमें मैं नमाज़ पढ़ने से अलग हो गया था वो नबी अलैहि वसल्लम के पास आए उनसे जिक्र किया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ये हदीस में और भी तफसील है कि वो आए और उसके पीछे मुआद भी आए जब इन्होंने अपना शिकवा पेश किया मुआज भी आए तो मुआद से रसूल सल्ला वसल्लम ने कहा अफ्तान अंत या मुआद क्या तुम लोगों को आजमाइश में डालने वाले हो तो हजरत रसूल वसल्लम का ये फरमान हदीस बुखारी और में है कि ये माज़ को जो इमाम थे उस कौम के उनको आपने सरतनिश किया न ये कि उस आदमी को जो मस्जिद सबसे अलग होकर तन्हा नमाज पढ़ने लगा था तो इससे पता चलता है कि अगर कोई आदमी उसकी इस्तात नहीं रख पाता है तो वो अलग हो सकता है लेकिन ये उद्र शरीयत की नज़र में मकबूल होना चाहिए किससे की मदद तौदीह के लिए बता दूँ कि उन्होंने आपके उद्र में पेश किया कि रसूल वसम हम दिन भर काम करते हैं थके मादे रहते हैं वहाँ जाके आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं फिर आते हैं देर रात से हम लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं और उस देर रात में नमाज़ पढ़ाने के साथ शुरे बकरा इन्होंने शुरू कर दिया अब शुरे बकरा ख़त्म करेंगे और देर तक पढ़ते रहे तो उसके बाद फिर और दूसरी रकात शुरू करें उसमें भी और कोई दूसरी सूरज शुरू कर दें हम लोग इतने हम इतने के मुतहमल नहीं हो सकते थे इसलिए मैं उनसे अलग होकर नमाज़ पढ़ी और मैं उनकी जमात से अलग हो गया लेकिन अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ तो नहीं कहा जिससे पता चलता कि इनकी अलग से नमाज ये दुरुस्त हुई मुआज को सरजनिश किया कि अफतान अन्त या मुआज माज क्या तुम लोगों को आजमाइश में डालने वाले हो तो वहाँ बल्कि हदीस में भी आया हुआ है कि आपने उनको कहा कि तुम जब पढ़ाते हो नमाज तो सूरे आला पढ़ो सूर गाशिया पढ़ो ये छोटी छोटी सूरतें पढ़ो इससे पता ये चलता है कि हर इमाम को अपने मुखदियों का ख्याल रखना चाहिए अगर उनके पास इतनी लंबी सूरतों के पढ़ने का सुनने का वक्त नहीं है या कि उनको पीछे काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं तो इमाम साहब को मुख्तर सूरतें पढ़ाना चाहिए ये हल है ये हल नहीं कि लोगों को आजमाइश में डालें अब इमाम के पीछे मुक्त हैं मक्तदी उनके पीछे खड़े रहें देर तक खड़े रहें यहाँ तक कि सूर्य बकरा पढ़ के ख़त्म कर दी जाए तो ज़ाहिर बात है जो दिन भर के काम करने वाले हैं एक तो देर रात से नमाज़ शुरू हो और फिर उसके बाद लंबी नमाज हो तो उनके लिए मुश्किल का बास है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तुम लोगों के साथ आसानी करो छोटी छोटी सूरतें पढ़ो मैं इस दली इस हदीस से ये दलील पकड़ना चाहता हूँ कि अगर मुख्ती उसका मुतहम नहीं है किसी सबब की बुनियाद पर यानी जैसे यहाँ लंबी रात का मतहमल नहीं है जैसे दिन भर काम करता है और देर रात से नमाज शुरू होती है फिर बहुत लंबी होती है तो इसके सोने जागने का वक्त इसकी थकावट के बाद इसके जिस्म के अंदर जो परेशानी है जो मुश्किल हैं कि मुतहमिल नहीं हो सकता ये हो इसी तरह से और भी जो इसबाब पैदा हो सकते हैं जैसे हदीस में आया हुआ है कि आदमी की नमाज़ दुरुस्त नहीं होती है जब उसको पैखाना पेशाब की शिद्दत महसूस हो रही हो तो उसमें बताया गया कि नमाज छोड़ो और जाओ पहले अपनी कदाए हाजत करो उसके बाद फिर आके नमाज़ पढ़ो या अगर किसी का वज़ू टूट जाए तो ज़ाहिर बात है वो दबाते दबाते बर्दाश्त करते नहीं रख सकता तो वजू टूट जाता है तो सूरत में उसको जा कर के वजू करके फिर से आके नमाज़ पढ़ना चाहिए तो इस किस्म के मसाइल हैं ऐसे ही अगर कोई मोज़ी जानवर सामने जाहिर हो जाता है या कि आपको नज़र आता है कोई कुएँ में गिर जाने वाला है और आपको नज़र आता है कहीं आग लग गई है यह है कि कहीं से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसमें लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं तो इस सूरत में इसी सूरतों में आपको छोड़ कर के नमाज अलग हो जाने की गुंजाइश मौजूद है लिहाजा इस सवाल में जो आपने पूछा कि क्या अगर कोई इमाम के साथ तकबीर तहरीमा में शामिल हो जाए उसके बाद नमाज पढ़ रहा हो फिर उसे अलग होने की ज़रूरत पड़े तो अलग हो सकता है हाँ अलग हो सकता है बशर्ते कि उसका उज्र शरीयत में मकबूल हो ऐसे नहीं कि भाई ये तो हमेशा ही लंबी नमाज पढ़ाते हैं अगर उन्होंने सूर बकरा नहीं सूर्य आला और गाशिया के अलावा इन्होंने सूर काफ शुरू कर दिया तो इतनी कोई बड़ी लंबी सूरत है जिसकी आप तहमुल नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं या इसी तरह से अगर आपके पास से कोई वसाइले सफ़र में से कोई चीज़ छूटने वाली है तो आप उसका अंदाजा खुद कर सकते हैं आदमी की तनहा की नमाज़ भी दुरुस्त हो सकती है बशर्ते कि जमात में शामिल होने के लिए कोई उज़र मौजूद हो जो रोकता हो ये भी एक उज़र हो सकता है ये आदमी वक्त से आज़ान हुई और वो नमाज़ पढ़ करके अपने उस सफ़र के रास्ते को अख्तियार कर सकता है तो नमाज पढ़ के जाए और अपने उस वसीले सफ़र में गाड़ी हो बस हो ट्रेन हो हवाई जहाज़ हो जा सकता है लेकिन ये हमेशा का एक उज़र नहीं बनाना चाहिए जिसके हालात कभी कभी पेश आते हैं और ये हमेशा नहीं रह जाते हैं बीमारी वगैरह का मसला भी यही है लिहाजा इसी सूरत में दुरुस्त है और बाकी और सूरतों में दुरुस्त नहीं है और वादे सी वादे जिस आदमी के पास सब से निकलने के लिए कोई शराय उधर मौजूद है तो वह अलग निकल निकल सकता है और तनह की नमाज़ पढ़ सकता है उस पर नफा का हुक्म इस बुनियाद पर नहीं लगाया जा सकता है इसलिए कि जब उधर आपको मालूम हो जाए तो आपके पास भी कोई गुंजाइश नहीं है मलामत करने की आइए एक और सवाल की तरफ आते हैं सवाल में हमारे भाई पूछ रहे हैं कि अगर किसी आदमी को हालत नमाज में जुमई ज़्यादा आने लगे या इसी तरह से उसे थूकने की ज़रूरत महसूस होने लगे या कि बलगम जाहिर हो जाए कि बलगम ये मुँह में आ चुका है निकालना चाहिए तो क्या करेगा वो उसमें सीधा सा जवाब है कि जब उसके ऊपर जुमई ग आ जाए जुमाई आने लगे तो अब तो उसे अपने मुंह को दबाना चाहिए मुंह को आ करके खोलना नहीं चाहिए दबाना चाहिए जिसमें कि हवा बाहर जा सके और ये कि वो हो मुंह को खोले हुए इसे पूरा कर सके और अगर ऐसा नहीं हो पाता है जुमाई का गलबा ज़्यादा है मुंह खोल जाता है तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख ले अब ये कौन सा हाथ दाहिना रखेगा बाया रखेगा कुछ ने इसकी तफसील बताई है मैं आगे बताऊँगा तो हदीस में चूंकि ये बात क्यों कही जाती है हदीस में आया हुआ है इदा तथा अब अहदोकम फिर सलात फ़ली मस्ता फ़िन शैदान यद खलो फ़ीफ़ा हो अगर तुम में से किसी को हालत नमाज़ में जुमाई आनी आनी है आती है तो उसे चाहिए कि जितना गुंजाइश हो उतना वो दबाए यानी मुंह नहीं खोले फ इसलिए कि शैतान उसके मुंह में दाखिल होता है एक तिरझी की रवायत में है फ़लीद यदू अलाफी अपने मुंह पर अपना हाथ रख ले अपने मुंह पर अपना हाथ रख ले और बाद ने कहा है कि अपने मुंह को अपने हाथ पर रखने के तरीका ये होगा कि बाएं हाथ से ऐसे ये ये हिस्सा जो है अंदर वाला हिस्सा ऐसे करके रखे ताकि पता चले कि वो उसको शैतान को ढकेल रहा है ये कुछ ओलमा ने कहा कि हदीस में तो तफसील नहीं है कि दाहिना रखे कि बाया रखे लेकिन कुछ वलमाना कि बाया हाथ रखे और उल्टा करके ताकि पता चले कि हाँ वको उसको धक्का मार रहा है और अगर उसको थूक आ जाती है या कि बलगम मुँह में आ जाता है तो उसको हटा लेना चाहिए अपने कपड़े में उसके पास टिशू पेपर हो या कि अपना अपना दस्ती या रूमाल हो उसमें डाल ले और अगर गुंजाइश हो बाहर थूक देने की तो बाहर थूक सकता है मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी बिल्कुल मस्जिद के किनारे के हिस्से में खड़ा है और वहाँ बाहर थूकने में कुछ हर नहीं तो वहाँ थूक सकता है बशर्ते मजबूरी और नहीं तो फिर अपने अपने कपड़े में ले ले और बाहर मैदान में है तो अपने पैर पाए पैर के नीचे की तरफ थूक सकता है इस तरह से उसके लिए इमकान मौजूद हैं और अगर कोई थूकता है या कि उसको कोई बलगम वगैरह या नाक से निकली हुई चीज़ कहीं मस्जिद में मिलती है तो तो ऐसा करना नहीं चाहिए कि मस्जिद के किसी हिस्से में लगा दिया जाए और अगर लग जाती है तो उसको साफ़ कर देना चाहिए बल्कि हदीस में आया हुआ है कि उसको साफ़ करना चाहिए और उस जगह पर खुशबू लगा देना चाहिए ऐसा रसूल ने फरमाया है इसलिए कि ये बुरे कामों में से शुमार किया गया है कि आदमी मस्जिद के अंदर इस किस्म की चीज़ को डाले या उसके उसकी बुनियाद बुनियादें जाहिर हो आइए इसी जवाब के साथ हम आपसे चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि इन जल्द आपसे मुलाकात होगी आपके सवालात और हमारे तरफ से उनके जवाब हाज़िर किए जाएंगे। जब तक इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह तार हमको और आपको और तमाम सुनने और देखने वालों को खैरीत रखे और ख़ास तौर से जो लोग इस प्रोग्राम के पहुँचाने में आप तक मददगार हैं अल्लाह भी खैर फरमाए और उनके साथन ताउन आपका भी हासिल रहेकम वरहल वबरकू